मुजफ्फरगढ़ में जारी 7वीं थल जीप डिजर्ट रैली के ट्रैक पे आज मजमूई तौर पे 3 हादसात पेश आए। गुजरावाला में पहलवानों के शहर की बहादुर लड़की ने डाकुओं से असला छीन के वारदात नाकाम बना दी। मैनेजिंग डायरेक्टर वासा जहूर अहमद डोगर की हिदायत पे तमाम सर्कल इंचार्जेस की जानिब से वासा नाइंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन। फैसलाबाद में गैर कानूनी चैंबर्स की अलॉटमेंट का मामला, वकला ने डिप्टी कमिश्नर के घर में धावा बोल दिया और नारेबाजी की। हैदराबाद में पीपल्स बस सर्विस का आगाज कर लिया गया। मुजफ्फरगढ़ में 7वीं थल डिजर्ट जीप रैली का 3रा मरहला इख्तिताम पजीर हो गया। आज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले हुए। सक्कर में सूबाई वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने नेशनल हाईवे पर होने वाले हादसे के बारे में चैंबर ऑफ कॉमर्स के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एंटी करप्शन ने मोहम्मद अकरम सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन सरगोधा की सरबराही में कार्रवाई की। सूबाई वजीर इत्तला'आत और ट्रांसपोर्ट शजीर इनाम मेमन ने कहा कि सबको एहसास हो गया हर मसले का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी है। रिहाड़ी में नैब के जेर एहतमाम करप्शन से पाक माशरे की बुनियाद के हवाले से गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल चरकी कॉलोनी में मुकाबले जात का इनेकाद किया गया। कोहली की माजी में पाकिस्तान में शॉपिंग करने की दिलचस्प वीडियो मंजर आम पर आ गई। ब्रूस ली की पुरअसरार मौत के राज का मुमकिन जवाब 5 दहाइयों बाद सामने आ गया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात जानते हैं एक ब्रेक के बाद। हादसात पेश आए। ड्राइवर्स मामूली जख्मी हुए जिनको रेस्क्यू ने फौरी तौर पर तिबी इमदाद फराहम की। रेसर्स टीपू गुदमानी की गाड़ी नंबर 609 इख्तितामी पॉइंट से 2 किलोमीटर दूरी पर उलट गई, जबकि रेसर अयाज खोसर की गाड़ी नंबर 811 का टायर ब्रस्ट होने पर रेस्क्यू एहलकारों ने रेसर अयाज खोसर की जीप का टायर तब्दील करवा कर ट्रैक पे फौरन रवाना कर दिया। रेसर मलिक खिजर अब्बास की गाड़ी नंबर 711 अपनी गाड़ी का सीट बेल्ट लगने से मामूली जख्मी हुए। मुजफ्फरगढ़ में 7वीं थल डिजर्ट जीप रैली का 3रा मरहला इख्तिताम पजीर हो गया। आज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले हुए। 4 खवातीन समेत 70 ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया। मुजफ्फरगढ़ में 7वीं 4 रोजा थर्ड डिजर्ट जीप रैली का 3रा मरहला इख्तिताम पजीर हो गया है। आज स्टॉक कैटेगरी की गाड़ियों के मुकाबले मुनक्किद हुए, जिसमें 4 खवातीन समेत कुल 70 ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया। मुजफ्फरगढ़ कोटा दुअलैया के इलाकों पर मुश्तमिल 119 किलोमीटर के ट्रैक पर ड्राइवर्स ने फनी महारतों के मुजाहरे किए। ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट छांगा मांगा ठेला, मिड पॉइंट चौबारा, इख्तितामी पॉइंट वापस छांगा मांगा ठेला पर था। छांगा मांगा ठेले पर सारा दिन जंगल में मंगल जैसा समा रहा और मुख्तलिफ इजला से आए हुए हजारों की तादाद में शायकीन थल जीप रैली से लुत्फंदोज होते रहे। गुजरावालों में पहलवानों के शहर की बहादुर लड़की ने डाकुओं से असला छीन के वारदात नाकाम बना दी। यूनिवर्सिटी की तालबा बिस्मा शाहिद अपनी वालदा के हमरा बैंक जा रही थी कि डाकुओं ने हमला कर दिया।
गुजरांवाला में दो मुसल्ला डाकुओं ने गुलशन कॉलोनी जीटी रोड पर तालबा और इसकी वालदा को जबरदस्ती रोक कर पर्स छीनने की कोशिश की। तालबा बिस्मा शाहिद ने जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए डाकू से पिस्तौल छीन ली। तालबा और डाकुओं के दरमियान मजामत को देखते हुए शहरी भी मौके पर जमा हो गए। शहरियों ने तालबा के साथ मिलकर दोनों डाकुओं को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। कैंट पुलिस ने दोनों डाकुओं को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मैनेजिंग डायरेक्टर वासा जहूर अहमद डोगर की हिदायत पे तमाम सर्कल इंचार्जेस की जानिब से वासा नाहिंदगान के खिलाफ क्रैक डाउन करते हुए कई कनेक्शन मुनकता कर दिए। शहर भर में 15 सर्कल इंचार्ज ने सीवरेज और वाटर सप्लाई के बिल अदा न करने वाले घरेलू और कमर्शियल साफिन के खिलाफ क्रैक डाउन करते हुए 74 कनेक्शन मुनकता कर दिए। इस मौके पे नाहिंदगान को डेडलाइन दी गई कि वो अपने जिम्मे वासा बिलों की मद में वाजबात की अदायगी हर सूरत यकीनी बनाएं। फैसलाबाद में गैर कानूनी चैम्बर्स की अलॉटमेंट का मामला, वकला ने डिप्टी कमिश्नर के घर में धावा बोल दिया और नारेबाजी की। फारूक हबीब और डिस्ट्रिक्ट बार के सदर की ईमा पे 5 वकला को चैम्बर्स अलॉट किए गए। तनवीर रंधावा बिल्डिंग की पार्किंग में चैम्बर्स की तामीर की जा रही थी। खिलाफ कानून चैम्बर्स अलॉटमेंट पर वकला ने डीसी के घर का घेराव किया। पंजाब बार कौंसिल ने भी चैम्बर्स अलॉटमेंट और तामीर को गैर कानूनी करार दे दिया। वकला ने फारूक हबीब चोर के नारे भी लगाए। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख के हुक्म पे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू ने अलॉटमेंट कैंसिल कर दी। वकला का कहना था कि फारूक हबीब कचहरियों में सियासी कब्जा माफिया को मजबूत करना चाह रहा था और जिले कचहरी वकला का घर है, इस पे कब्जा किसी सूरत मंजूर नहीं। हैदराबाद में पीपल्स बस सर्विस का आगाज कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में सूबाई वजीर इत्तला'आत और ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने खिताब किया। इनका कहना था कि आज सिंध के लिए बड़ी खुशी का दिन है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर पीपल्स बस सर्विस का आगाज किया। सबको एहसास हो गया कि आवाम के हर मसले का हल के लिए कोशा हैं हम। सैलाब हो या कोई परेशानी, सीएम समेत सब मुत्तहिक रहें। शहर में कचरे के खात्मे के लिए वेस्ट मैनेजमेंट काम कर रही है। कराची लाड़काना के बाद हैदराबाद और दिसम्बर में सक्कर में बस सर्विस शुरू करेंगे। इनका मजीद कहना था कि आवाम के वोट से आने वाली हुकूमत का काम आवाम की खिदमत होता है। शाहजेब खान ज़ादा ने तो नया इंकशाफ कर दिया कि इमरान ने तीसरी घड़ी बेची और डॉक्टर फैसल एक गोली, यास्मीन राशिद दो गोली, खुद 4 गोली बता रहे हैं। 4 गोली वाला सुपरमैन वजीराबाद से लाहौर गया, वो भी कैंसर अस्पताल। सी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। सूबाई वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने नेशनल हाईवे पर होने वाले हादसे के बारे में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हालिया हादसा बहुत अफसोसनाक है, इंसानी जानों के ज़िया का बहुत दुख है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इनका कहना था कि इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस रोड के लिए वफाकी हुकूमत को 7 अरब रुपए पहले दिए हैं। हादसे वाला असल रोड नेशनल हाईवे का था। वफाकी वजीर असद महमूद ने अफसरान पर एक्शन लिया है। हादसा इंसानी गलती का भी है, ड्राइवर की गफलत भी शामिल है और मिट्टियारी में मुबैना करप्शन पर भी एक्शन लिया जाएगा। सक्कर में अस्पतालों की कारकर्दगी पर अफसोस है, यहाँ के डॉक्टर दाएं की बजाय टाउन का ऑपरेशन कर देते हैं, मामलात को दुरुस्त करना होगा। एंटी करप्शन ने मोहम्मद अकरम सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन सरगोधा की सरबराही में कार्रवाई करते हुए जुडिशियल मजिस्ट्रेट की निगरानी में सेक्ट्री यूनियन कौंसिल को 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। 46 शुमाली सरगोधा के रिहायशी मोहम्मद वकास ने रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोधा आसमा एजाज चीमा को दरख्वास्त गुजारी की के निकाह नामा कम्प्यूटराइज करवाने के लिए सेक्ट्री यूनियन कौंसल जावेद इकबाल के पास गया, जिसने 10,000 रुपए रिश्वत लेने का मुतालबा किया, जो कि 5,000 रुपए पहले वसूल कर चुका था और अब मजीद 5,000 रुपए रिश्वत का मुतालबा कर रहा था। जिस पर रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोधा की हिदायत पे मोहम्मद अक्रम सर्कल ऑफिसर ने रेड कर
के जावेद इकबाल सेक्टरी यूनियन कौंसिल को 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम से निशान जदा नोट भी बरामद कर लिए। मुलजिम के खिलाफ एंटी करप्शन सरगोधा ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। सूबाई वजीर इत्तला'आत और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सबको एहसास हो गया हर मसले का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी ही है और खिदमत की बुनियाद पे अगला जनरल इलेक्शन जीतेंगे। हैदराबाद में पीपल्स बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर ने कहा कि कराची लाड़खाना हैदराबाद के बाद दिसंबर में सक्कर में भी बस सर्विस का आगाज करेंगे, जबकि सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अरबों रुपए मुख्तस किए गए हैं। मुल्की तारीख में पहली बार सिंध हुकूमत मुतासरीन को घर बनाने के लिए मुआवजा फराहम कर रही है। इन्होंने कहा कि अवामी हुकूमत का काम अवाम की फलाह बहबूद होता है। ये बसें अवाम के टैक्स के पैसे से मिली हैं, अवाम इसको एहतियात से इस्तेमाल करें जैसे अपने लिबास का ख्याल करते हैं। इनका कहना था कि पहले 3 दिन शहरी इस बस में बिल्कुल मुफ्त सफर करेंगे। बिहारी में नैब के जेरे तमाम करप्शन से पाक माशे की बुनियाद के हवाले से तहसील लेवल पे गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल शर्फी कॉलोनी में मुकाबला जात का इनाकाद किया गया, जिसमे कसी तादाद ने प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम की मेहमान खसूसी फोकल पर्सन डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन फरजाना मुनव्वर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस तकरीब का मकसद तुलबा और तालबात को करप्शन से पाक बाकरदार माशरे से आगाही फराहम करना है। तुलबा और तालबात हमारे माशरे के हीरो हैं जिन्होंने हमारी आने वाली नस्लों को संवारना है। तुलबा और तालबात की जिम्मेदारी बनती है कि माशरे के बुजुर्ग छोटे बड़ों को करप्शन फ्री माशरे की बुनियाद के हवाले से आगाही दें ताकि करप्शन का नासूर हमारे माशरे से खत्म हो सके। तुलबा और तालबात बात के दरमियान तकरीरी मुकाबला जात, पेंटिंग मुकाबला जात, ड्रामा टेबलोज पेश किए गए। इस मौके पर ऑर्गेनाइजर सईद अख्तर रसूल, AEO रहीम शाह उमैर नवाज, AEO सचलज आशिक अली, AEO दानेवाल अम्बरीन गुफार, AEO विहारी फोजिया, AEO रुतबा टब्बा एमन, AEO पिपली फोकल पर्सन राना अकबर अली, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मर्दाना विहारी फरजाना मुनवर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जनाना विहारी मोहम्मद आसिफ भी मौजूद थे। कोहली की माजी में पाकिस्तान में शॉपिंग करने की दिलचस्प वीडियो मंजरे आम पर आ गई। दुनिया भर में मकबूल भारत के साबिक कप्तान और दिलकश बल्लेबाज विराट कोहली की 16 साल कबल की दौरे पाकिस्तान की एक वीडियो सोशल मीडिया पे जेरे गर्दिश है, जिसे देखकर मदा हैरान हो गए। विराट कोहली की मस्कूरा वीडियो भारतीय सहाफियों नाश आर्यन की जानिब से शेयर की गई, जिसमें कोहली को पाकिस्तान में शॉपिंग करते देखा जा सकता है। ये वीडियो दरअसल 2006 की है, जब भारत की अंडर 19 टीम दौरा पाकिस्तान के लिए लाहौर आई थी। इस वक्त अंडर 19 टीम के कप्तान पीयूष चावला थे। वीडियो में कोहली समेत पीयूष, शोभन अतापा, बचारा रविंद्रा जडेजा और एशनाज शर्मा को भी शॉपिंग करते देखा जा सकता है। ब्रूस ली की पुरस्कार मौत के राज का मुमकिन जवाब 5 दहाइयों बाद सामने आ गया। ब्रूस ली को फिल्मी दुनिया का अजीम तरीन मार्शल आर्ट आर्टिस्ट करार दिया जाता है, जिनका इंतकाल 20 जुलाई 1973 को 32 साल की उम्र में हुआ। ब्रूस ली की इतनी कम उम्र में मौत की वजह से इसे पुरस्कार करार दिया गया और कई अजीब थ्योरी सामने आई, मगर अब एक नई तहकीक में लिटिल ड्रैगन की उल्फियत से मशहूर ब्रूस ली की मौत की मुमकिन वजह बताई गई है। इस तहकीक में दावा किया गया कि ब्रूस ली की मौत की वजह बहुत ज्यादा पानी पीना है। अभी इस थ्योरी की तस्दीक तो नहीं हुई, मगर इस मकसद के लिए साइंसदानों ने ब्रूस ली की मौत से जुड़े हकाइक का तजिया किया था। मिसाल के तौर पर मारूफ अदाकार को मौत के दिन शाम 7:30 बजे पानी पीने के बाद सर दर्द और सर चकराने का तजुर्बा हुआ था, जिसके बाद इन्होंने एक दर्द कुछ दवा खाई, 2 घंटे बाद इन्हें मुर्दा दरियाफ्त किया गया। सी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट बुलेटिन में।